विक्टोरिया रेजिडेंसी में आजादी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जिसमें मारूफ ताजिर शख्सियात ने शिरकत की है। स्टेडियम रोड के साथ वाकई कलाशी हाउसिंग सोसाइटी में थारा ग्रुप विक्टोरिया रेजिडेंसी में आजादी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जिसमें रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इस तकरीब के मेहमान खसूसी मोहसिन शेखानी का कहना था कि आबाद के चेयरमैन ने बताया है कि थारा ग्रुप के चेयरमैन कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाने में हम भी किरदार अदा करेंगे। स्टेडियम रोड के साथ वाकई कलाची हाउसिंग सोसाइटी में थारा ग्रुप के विक्टोरिया रेजिडेंसी में आजादी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जिसमें रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहसिन शेखानी का कहना था कि लोगों को एक एतमाद होना चाहिए और जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। चीजें उस वक्त इन हालात में एक्टिविटीज हो रही हैं और उस कराची में काफी चीजें रुकी हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी लोकेशन जो हाई प्रोफाइल है, हाई एंड प्रोडक्ट है, वही बिक रहा है और वो इस वक्त मार्केट की जरूरत है। आबाद के चेयरमैन अल्ताफ ताई ने बताया कि थारा ग्रुप के चेयरमैन आमिर थारा का कहना था कि इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा जाएगा, इसके अंदर सारी एमिनिटीज हैं, ग्राउंड प्लस 23 का फ्लोर का प्रोजेक्ट है, 48 और 40 गज के ऊपर डिजाइन किया गया है और बहुत खूबसूरत लोकेशन है इसकी। उम्मीद है कि जो बेहतर से बेहतर इसकी हम क्वालिटी रखेंगे। स्टार मार्केटिंग के वासिक नईम का कहना था कि 4, 5 और 6 कमरों के ये अपार्टमेंट्स अपनी मिसाल आप हैं। आजादी फेस्टिवल में फनकारों ने भरपूर कॉमेडी और म्यूजिकल शो पेश किए। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।